हे गाइस, स्वागत है आप फिर टुडे गाइड पे। मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश हुसैन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो स्टॉक्स की जो अगर आप अक्टूबर एक्सपायरी तक के लिए इसे होल्ड करके रखेंगे तो ये आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकती है। गाइस, तो ये दो बैंकिंग स्टॉक्स की आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो है SBI और बंधन बैंक। गाइस, SBI में हम देख रहे हैं कि बहुत टाइम से गिरावट आ रही थी, ये कंटिन्यूसली फॉलिंग पैटर्न में चला गया था, पर अब यहाँ पर कुछ ऐसे सपोर्ट्स मिल गए हैं कि यहाँ से अगर हम अक्टूबर एक्सपायरी तक के लिए इसे होल्ड करके रखें तो ये हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकती है गाइस। और अगर हम बात करें बंधन बैंक की तो वो भी हमें अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि ये अब एक ब्रेकआउट के उसमें लेवल में आ चुकी है कि यहाँ से अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट होता है तो हम 620 या 640 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बंधन बैंक के अंदर। सो गाइस, आज हम इन दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और हम चलते हैं कि हमें सबसे पहले एक रेंज पता करनी है कि किस रेंज में हमें इसे बाय करना है और कहाँ तक हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस एक्सपेक्टेड लगा के रख सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं SBI के बारे में। SBI में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ पर जिस तरीके से इसने यहाँ पर इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करा था और इस जो यहाँ पर जो इसका पॉइंट है, यहाँ से हमने एक गिरावट आते हुए देखी थी, ये था एक रेजिस्टेंस जो इसे नहीं तोड़ पाया था और वहां से आने के बाद हमने एक अच्छा खासा पुल बैक भी आते हुए देखा। पुल बैक आने के बाद जब इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं वापस यहाँ पर इसने डिप दी और डिप देने के बाद वापस इसने यहाँ इस लेवल को रिस्पेक्ट करा। रिस्पेक्ट करने के बाद हमने देखा यहाँ पर एक फॉल आ चुकी है। फॉल आने के बाद इसने जो अपना लो मारा है 250 समथिंग के अराउंड मारा है, जो कि इसने कुछ टाइम पहले ही मारा था। हम कुछ टाइम की बात करें, मतलब कुछ महीने पहले ही मारा था। तो अब हम देख सकते हैं कि ये 250 तक अपने लेवल पे आ चुका है। 250 के बाद ये बाउंस बैक कर गया और उसके बाद उसके ऊपर ही स्टेज कर रहा है, पर एक लेवल या एक कंसोलिडेशन के अंदर जा चुका है। गाइस, अब हमें पता कैसे लगना है कि ये और नीचे नहीं जा सकता, क्या हो सकता है इसके साथ? तो गाइस, मैं आपके लिए इसमें वीकली चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पर वीकली चार्ट ओपन करूंगा तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसने जो सपोर्ट लिया है, आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग में इसने आज एक पूरे हफ्ते से सपोर्ट ले रहा है। गाइस, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 260 का लेवल, और गाइस 250 का लेवल को उसने सिर्फ एक शैडो के टाइम पे अगर हम बात करें वीकली चार्ट में तो तोड़ा। उसके बाद हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा और बाउंस आने के बाद ये जो एक हफ्ते से रिस्पेक्ट कर रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि 260 के लेवल्स को एक्सपेक्ट करके चल रहा है और उसे रिस्पेक्ट दे रहा है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें शायद एक बाउंस बैक आते हुए देख सकते हैं। कहीं तब एक ये तो लेवल नहीं है कि हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करें कि इस 200 एक्सपोनेंशियल से बाउंस आ सकता है, हो सकता है कि और नीचे जा सके। हम एक्सपेक्ट मान के चल रहे हैं कि 250 के नीचे तो ये नहीं जाना चाहिए। गाइज, अब मैं यहाँ पर आपके लिए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाता हूँ टॉप से बॉटम तक और हम देखते हैं कि कितना परसेंट तक ये रिट्रेस कर सकता है। गाइज, ये वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं हटा देता हूँ, ये टॉप है और ये बॉटम है, ये हम बॉटम तक बना के चल देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमें जो मैंने बनाया था, जो कि लेवल एक्सपेक्ट शो कर रहा था 260 के अराउंड, और जो एक फॉल आई थी यहाँ से दो हफ्ते पहले जो हमें बता रहा था 250 के लेवल्स तक हमें ले गया था। कई जब आप मैंने देख सकते हैं कि मैंने टॉप से बॉटम तक बनाया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 50% तक ये स्टॉक रिट्रेस कर चुका है अपने लेवल तक, यानी कि जो 250 का लेवल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये 250 के लेवल को तोड़ पाएगा आने वाले टाइम पे। मुझे लगता है ये 250 लेवल को होल्ड करेगा, वहां पर सस्टेन करने की कोशिश करेगा और उसके बाद जो बाउंस बैक देगा वो 273 या उसके ऊपर जो हमने एक हर्डल देखा था, जो हमने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखा था 289 तक के लेवल्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं SBI के अंदर। गाइस, जब मैं आपको इसमें बाइंग एन अपॉर्चुनिटी क्यों बता रहा हूँ, बाइंग एन अपॉर्चुनिटी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो आपका रिस्क टेकिंग है वो बहुत कम है, पर आपको जो टारगेट एक्सपेक्ट, जो हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो SBI के अंदर बहुत अच्छे खासे मिल सकते हैं। गाइस, 250 के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है और 260 का भी एक साइकोलॉजिकल एक हम बांध के चले और जो चार्ट में दिख रहा है सपोर्ट हमें इसमें देखने को मिल रहा है। सो गाइस, 250 के नीचे आप एक स्टॉप लगा के रखिए और आप 289 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर अंदर ही, इस एक्सपायरी के अंदर ही। गाइस, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फिफ्थ ट्रेंच ऑफ इक्टोरल बॉन्ड्स भी इसमें स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि चार इक्टोरल बॉन्ड्स पहले से ही ये लोग सेल कर चुके हैं और इन कैश कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 10 तक, ये 10 दिन तक चलता है ये जो इक्टोरल बॉन्ड्स, ये SBI जब सेल करने जाती है मार्केट में और इन कैश करवाती है कैश को। सो गाइज, हमने जो चार इक्टोरल बॉन्ड जो पहले ही फोर्थ ट्रेंच तक हो चुके हैं, ये फिफ्थ ट्रेंच स्टार्ट होने वाला है 1st October को। सो गाइज, जब भी मैंने ये चार ट्रेंच के चार्ट को स्टडी करा 10 दिन तक, तो 10 दिन तक हमने देखा
SBI ने आराम आराम से 20 से 25 रुपए तक की मूवमेंट 10 दिन के अंदर अंदर ही दे दी थी। गाइस हर मैं अगर आपको फोर्थ ट्रेंच तक लेकर चलूं जो मार्च 1 से 10 के बीच में हुआ था, जुलाई में हुआ था और अब यहां पर होने जा रहा है, तो गाइस ये आपको अच्छा खासा एक SBI रिटर्न दे सकता है इस एक्सपायरी के अंदर अंदर, इस मंथ के अंदर। तो गाइस SBI को वॉच करके चलिए, मुझे लगता है आपको अच्छे रिटर्न दे देगा। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बंधन बैंक पे भी एक तरीके का हमें एक हर्डल देखने को मिल रहा है 570 या 580 के लेवल्स के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है ये 570 के लेवल्स पे। गाइस 570 की इसकी क्लोजिंग है, 580 एक इसका हम बांध सकते हैं, साइकोलॉजिकली एक हर्डल है और एक कंसोलिडेशन है जिसके ऊपर ये ब्रेक नहीं दे रहा। पर जिस तरीके से चार्ट पैटर्न शो कर रहे हैं कि ये मंदी के टाइम पे भी जब मार्केट गिर रही है ये स्टॉक्स एक तरीके से खड़ा रह रहा है और अपने आप को ऊपर ही रखने की कोशिश कर रहा है, इसमें ज्यादा गिरावट नहीं आ रही है। गाइस तो हम कह सकते हैं कि ये एक ब्रेकआउट के लेवल पे है। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ आप देख सकते हैं 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 580 के अराउंड है, जो भी आपको मैंने अभी लेवल बताया उसके ऊपर ये नहीं निकल रहा है, आप देख सकते हैं उसके नीचे ही एक दिन नीचे जाता है अगले दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे जाता है अगले दिन ऊपर जाता है स्टॉक ये। पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे गिर रही है पर वो स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 280 के लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करता है हम 600 या 640 तक के लेवल्स भी इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर गाइस। और ये बहुत बढ़िया स्टॉक हम कह सकते हैं, मान सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक तरीके का राउंडिंग बॉटम पैटर्न नहीं बना है, पर हम कह सकते हैं एक तरीके या परफेक्ट राउंडिंग बॉटम शेप पैटर्न है, पर एक तरीके का राउंडिंग बॉटम है। जैसे ये बॉटम भी हम एक्सपेक्ट करें तो बॉटम भी यहाँ से जैसे भी इसमें एक अपसाइड आई थी और ये जो इसका बॉटम है और जो ये इसका बॉटम है बिल्कुल सेम है। तो गाइस यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको ये 550 के आसपास भी कभी मिलता है तो आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करिए, बाय करिए और ये आपको अच्छे खासे रिटर्न दे देगा। गाइस अगर आपको ये 580 के ऊपर मिल जाता है और 580 को ब्रेक कर देता है तो गाइस ये भी आपके लिए बेस्ट इन अपॉर्चुनिटी है इस बंधन बैंक के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो गाइस ये दो स्टॉक्स अगस्त एक्सपायरी अक्टूबर एक्सपायरी के लिए आप बाय करके चलिए और ये आपको अच्छे खासे रिटर्न्स आने वाले इस एक्सपायरी के अंदर देते चल सकते हैं। गाइस टारगेट और स्टॉप लॉस मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ पर आपको इसका टारगेट, कहाँ पर आपको इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है और ये आपको आने वाले टाइम पर अच्छा रिटर्न दोनों स्टॉक्स दे सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ और आपके लिए कल एक पोजिशनल ट्रेड और है जो आप बाय करके चलेंगे अगस्त अक्टूबर एक्सपायरी के लिए, अगर आपको वो अच्छे खासे रिटर्न्स दे देगा। गाइस उसके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ भी आई है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये जो स्टॉक है जो मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ वो बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकती है। गाइस एक स्टॉक और है जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट करा है, वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है ज़्यादातर जिसमें लोग ट्रेड नहीं करते हैं, ट्रेड मतलब ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते नहीं है। वो एक टाइम तक 1400 रुपए में ट्रेड कर रहा था और 5 रुपए तक भी आ चुका था गाइस, अभी भी वो 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और अब इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है और उस कंपनी के कुछ इनर फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आने वाले साल में उस कंपनी को बहुत ऊंचाई लेवल तक लेकर जा सकते हैं। और आप देख ही रहे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है और आपको अच्छे खासे रिटर्न उसमें भी मिल सकते हैं गाइस। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और आपके साथ मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।